where we have learned about chapter 3. Today we will start our new chapter, lesson 4, yeah, chapter 4. So chapter 4 name is Man, the Living Machine. जो आदमी है वो क्या है? एक मशीन है, ठीक है? जितना नाम है मशीन, तो कुछ बेसिक टर्म्स दिए हूँ, दिए हुए हैं. तो फर्स्ट इज ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. जो हमारी बॉडी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? ऑर्गन से, ठीक है? बहुत सारे ऑर्गन होते हैं और उन सबके अलग अलग काम होते हैं. तो अब पढ़ते हैं ऑर्गन में. तरीके के होते हैं हमारी बॉडी में, टू टाइप्स होते हैं. एक तो इंटरनल होते हैं और एक एक्सटर्नल होते हैं. इंटरनल यानी जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं वो ऑर्गन होते हैं, और एक्सटर्नल जो हमारी बॉडी के बाहर होते हैं, ठीक है? अब पढ़ते हैं फर्स्ट पर. तो द स्केलेटल सिस्टम. अब समझते हैं कि स्केलेटल क्या होता है. तो ये जितने भी हमारी बॉडी में बोन्स यानी हड्डियाँ हैं, ऑल द बोन्स ऑफ अवर बॉडी टुगेदर एक करके आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती है, टुगेदर होती है, कनेक्ट होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्केलेटल. और इसमें क्या होता है? 206 बोन्स होती है हमारे पूरे शरीर में. कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 बोन होती है. और ये हमारी बॉडी को क्या देता है? एक शेप देता है और अच्छा स्ट्रक्चर देता है. तो ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन को. इसकी स्केलेटल में हमारे क्या होता है? केस भी हमारी बॉडी के अंदर होता है, जो उसको प्रोटेक्ट करता है, हमारे हार्ट को करता है, ठीक है? अब चलते हैं सेकंड टॉपिक का, मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम जो होता है ये किससे बना होता है? सबसे पहले मैड ऑफ मसल्स. ये मसल से बना होता है, ठीक है? और ये सब मसल जो होती है वो बोन से अटैच होती है और क्या करती है? हेल्प करती है बोन को मूव करने में, ठीक है? और ये किसको मदद करती है? साथ में हेल्प अस परफॉर्मिंग मेनी एक्टिविटी. क्या होती है? हमारी बॉडी द्वारा बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती है, तो उसमें कौन हेल्प करता है? तो मसल्स करती है, ठीक है? रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट. अब देखिए हम कैसे हमारा हार्ट बीट करता है. कभी कभी ये खुद से भी मूव करती है जब हम नहीं चाहते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट बीट करने लगता है बहुत तेज और ऑटोमेटिक उस टाइम बाद स्टॉप हो जाता है, तो वो कौन करता है? मस्कुलर सिस्टम. और क्या होता है? जैसे हमको हमारा हाथ मूव करना है, ठीक है, तो वो तो हम चाहते हैं ना, हम अपने हाथ को मूव कर सकते हैं. किसकी हेल्प से? मस्कुलर सिस्टम की हेल्प से, ठीक है? अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक. तो थर्ड टॉपिक है द रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसमें क्या होता है? ये डील करता है. किससे डील करता है? ब्रीदिंग से, ठीक है? जो हम सांस लेते हैं इज नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ, अभी किससे मिलकर बना होता है? नोज, विंड पाइप एंड लंग्स, ठीक है? और ये किस चीज में हेल्प करता है? हमारी बॉडी को ऑक्सीजन लेने में और गिव आउट CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में, ठीक है? और ये क्या करता है? जो ऑक्सीजन लेकर आता है, ठीक है, तो उसको हमारा हार्ट में लेकर लंग्स में करता है, फुल बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है? चेंजिंग फूड मटेरियल इनटू सिंपल फॉर्म. ये क्या करता है? जो हमारा खाने का मटेरियल है उसको चेंज कर देता है सिंपल फॉर्म में, ठीक है? सिंपल फॉर्म में चेंज करने के बाद अब ये किससे बना होता है? माउथ, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. तो ये क्या होता है? इसमें हम जो भी खाना खाते हैं, ठीक है, तो माउथ के अंदर दिया, उसमें माउथ में क्या होती है? हमारे सलाइवा होती है, तो सलाइवा में हमारा फूड मिक्स हो जाता है और वो सॉफ्ट हो जाता है. सॉफ्ट होने के कारण क्या करते हैं? ये हमारे अंदर जाता है, तो डाइजेस्टिव जूस लेता है, वो खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है, और उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में सेव कर लेता है. लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है. तो इस तरह हमारा अनडाइजेस्टेड फूड भी बाहर चला जाता है. अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक. तो फिफ्थ है द एक्सेलेटरी सिस्टम. इसमें क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑल द बेस्ट मटेरियल कॉल्ड एक्सेलेटरी सिस्टम. इसमें क्या होता है? देखिए, जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी बेस्ट पार्ट होता है, तो ये क्या करता है? उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है. जैसे कि यूरिन होता है और स्वेट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों क्या है? बेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी के अंदर. तो इनको देखना, जो किडनी होती है वो किसको बाहर करती है? यूरिन को, ठीक है? हमने टॉयलेट जाते हैं तो किडनी हेल्प करती है यूरिन को बाहर निकालने में. लंग्स किसको बाहर करते हैं? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड. जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो CO2 को छोड़ते हैं. स्वेट यानी पसीना, पसीने को कौन बाहर करता है? स्किन करती है. और जो यूरिन और स्वेट है ना, वो किसको बाहर करती है?
सिक्स पे आते हैं नर्वस सिस्टम। तो ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम हमारी सारी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, ठीक है, ऑल बॉडी को, ठीक है। इसके अंदर क्या कंसिस्ट होती है, ब्रेन होते हैं, कुछ नर्व्स होती हैं, और ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, सारे एक्शन को कंट्रोल करता है, हम चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम। जो ब्रेन होता है वो हमारे सारी बॉडी पार्ट्स को क्या करता है, मैसेज भेज देता है, ठीक है, और इस हिसाब से ये नर्वस सिस्टम काम करता है। सेवेंथ इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, किससे बनकर पहले बना होता है, हार्ट हुआ, वेंस, ब्लड प्रेशर, ये सब से मिलकर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम तैयार होता है। ये किसमें हेल्प करता है, इसी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन लेता है और CO2 को बाहर छोड़ने में मदद करता है। और जो ब्लड होता है वो किसमें हेल्प करता है, हमारे हार्ट को पंप होने